सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते। नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं हूं श्रेय शुक्ला, सत्यमेव जयते में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मदर्स डे था, मदर्स डे में मेरी माँ ने मुझे कुछ पंक्तियाँ भेजी, तो मुझे लगा कि आपको भी मैं वो पंक्तियाँ सुनाऊँ और आपके साथ भी साझा करूँ, क्योंकि जो बुज़ुर्ग लोग बता के जाते हैं या कुछ बताते हैं उसके पीछे रहस्य होता है, उसके पीछे सिद्धांत होते हैं, उसके पीछे बहुत बड़े फ़लसफे छिपे होते हैं। बस हमको समझने की ज़रूरत है। जिंदगी से लम्हे चुरा बटुए में रखता रहा, फुर्सत से खर्चूंगा बस यही सोचता रहा, उधड़ती रही जेब करता रहा तुरपाई, फिसलती रही खुशियां करता रहा भरपाई, एक दिन फुर्सत पाई सोचा खुद को आज रिझाऊं, बरसों से जो जोड़े वो लम्हे खर्च कराऊं, खोला बटुआ लम्हे न थे जाने कहां रीत गए, मैंने तो खर्चे नहीं जाने कैसे बीत गए, फुर्सत मिली थी सोचा खुद से ही मिलाऊं, आईने में जो देखा पहचान ही ना पाऊं, ध्यान से देखा बालों पे चांदी सा चढ़ा था, था तो मुझ जैसा पर जाने कौन खड़ा था। ये वो कविता है, वो चंद लाइनें हैं जिसको मैंने कई बार पढ़ा और कई बार गुना भी और बुना भी, तो लगा कि बहुत सारे लम्हे जो हम यूं ही गंवा देते हैं, और जब कोई बुज़ुर्ग और वो भी माँ जैसा जब आपको ये लिख कर भेजे तो उसके अर्थ बहुत होते हैं। और मुझे लगा कि सच तो यही है, और जिन जो लोग उम्र के उस ठहराव पे जाकर बैठे हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ देखा है, समझा है, सीखा है, तो ये ज़रूर सच्ची सी बात हो कि हर लम्हे को हम जिएं, उसको बचा के न रखें, उसको संजो के न रखें कि बाद में इसको कर लेंगे। अच्छे काम फौरन कीजिए, किसी को विश करना हो फौरन कीजिए, किसी को प्रेम करना हो तुरंत कीजिए, किसी की मदद करनी हो तुरंत कीजिए, और किसी को ये बताना हो कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी क्या है तो आप बोलिए सच सबसे ज़रूरी है, और उसको कहिए कि वो रोज़ सत्यमेव जयते बोले, और यही मंत्र आपको हमको सबको बहुत आगे लेके जाएगा। सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते। 160 साल पहले इन्हीं गर्मियों में पैदा हुई थी गदर की आग, कोलकाता से मेरठ तक, आजमगढ़ से आगरा तक, झांसी से ग्वालियर और इलाहाबाद से दिल्ली। आखिर कैसे लिखी गई गदर की कहानी सत्यमेव जयते में, गदर की पूरी दास्तान। सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते। स्कूलों में छुट्टियां हो चुकी हैं और हो सकता है आप भी बच्चों के साथ कहीं रिलैक्स कर रहे हों, लेकिन क्या आपको पता है कि ये वही गर्मियां थी जब गुलामी के खिलाफ गदर छिड़ी हुई थी, कहीं चिंगारी आगे बढ़कर आज़ादी की जंग में तब्दील हुई, और उसी वजह से आज आप रिलैक्स कर पा रहे हैं। गदर की उस साग ने अगले 90 सालों तक अंग्रेज़ी हुकूमत को चैन से भारत में हुकूमत नहीं करने दी। 1857 में पहली बार एक अंग्रेज़ अफसर को एक हिंदुस्तानी सिपाही मंगल पांडे ने गोली मार दी थी, और उसके बाद गदर की जो आग देश में फैली उसने अंग्रेज़ों की गुलामी के आगे इतने सिरों को खड़ा कर दिया, उतने न कभी इतिहास में गुलामी के खिलाफ एक साथ खड़े हुए और न उसके बाद। 161 साल बाद इस तरह की तस्वीर पेश हुई। आज़ादी की जंग में यह पहला हवन था और इस हवन में समाज का हर तबका साथ में लड़ा, लेकिन ऐसा क्या था कि 1857 का गदर महज 2 सालों में शांत हो गया? ऐसा क्या था कि दिल्ली तक कब्जा करने के बाद भी अंग्रेज़
देश के मालिक बने रहे, क्यों गदर की वो गाथा अधूरी रह गई। आज सत्यमेव जयते में हम गदर की आपको पूरी कहानी बताएंगे और ये बताएंगे कि ये जो आज़ादी की मशाल लेके पूरा देश निकल गया था, आखिरकार वो अपने अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा, आखिरकार क्या हुआ कि गुलामी की जो बेड़ियां टूटती नजर आ रही थी, गुलामी की जो बेड़ियां पिघलती हुई नजर आ रही थी, वो फिर से बेड़ियां हो गई। वजह बहुत सारी थी, लेकिन उन वजहों पर हम लोग आज भी गौर नहीं कर रहे हैं। ये जिक्र इतिहास में है, ये जिक्र आज मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं, जब तक हम एक साथ प्लैंड वे में आगे नहीं बढ़ते हैं, तो फिर आपको बहुत लंबे तक इंतज़ार करना पड़ता है, सदियों इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद अंग्रेज़ तकरीबन 161 साल लग गए इस पूरी की पूरी कहानी को हटाने में, और इस लंबी दास्तां के पीछे देश ने कुर्बानियां दी, देश को और बाधाओं का सामना करना पड़ा, और देश ने ये भी बताया कि अगर हम किसी भी क्रांति को किसी नेता या किसी अग्रज के बिना लड़ते हैं, तो फिर वो बिखरी रह जाती है, और बिखराव कभी अच्छा नहीं होता। इसीलिए किसी देश को आगे बढ़ाने के लिए, किसी क्रांति के लिए एक मुखिया की ज़रूरत होती है, और उस समय उस मुखिया की कमी थी। रियलिटी में मैं आज आपको कहानी गदर की पूरी सुनाता हूँ कि क्रांतिकारी मंगल पांडे ने जो चिंगारी फूकी थी, वो कैसे कैसे बढ़ी और आखिर तक क्या रूप ले गई वो चिंगारी। वो तारीख 29 मार्च 1857 थी जब क्रांति की पहली चिंगारी फड़की। जगह थी कोलकाता के करीब बैरकपुर परेड मैदान। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने बगावत की। मंगल पांडे चर्बी वाले कारतूस चलाने से मना कर रहे थे, उन्होंने मना भी किया। ये अंग्रेजी शासन और सेना के खिलाफ पहली बगावत थी। सिपाही मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बॉग को गोली मार दी। मंगल को पता था कि इसकी सज़ा सिर्फ मौत है, और अंग्रेज अफसर पर भारतीय जवान ने पहली बार गोली चलाई। इस गोली की गूंज 2 साल और 20 दिन तक सुनाई दे रही थी। ये गदर की शुरुआत थी। 18 अप्रैल 1859 तक चली। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसने कुछ सिपाहियों के हौसले पस्त भी किए, जबकि मंगल पांडे की शहादत ने अधिकतर को भड़का भी दिया। शहादत के बाद भी अंग्रेज़ों के अंदर मंगल का खौफ खत्म नहीं हुआ। अगले 90 सालों तक हर बागी के चेहरे में उन्हें मंगल पांडे दिखता। मंगल की शहादत के सिर्फ 1 महीने बाद मेरठ में गदर शुरू हो गया। रोटी और कमल के जरिए तेजी से क्रांति का संदेश भेजा जाने लगा। गदर की आठ आग धीरे धीरे बढ़ रही थी। 3 मई 1857 को एक चिट्ठी पकड़ी गई। इसमें एक यूनिट के सैनिक की बगावत को फैलाने की बात कही गई। उधर मेरठ कैंटोनमेंट में किसी ने अफवाह उड़ा दी कि फौजियों के रोटी में अंग्रेजों ने गाय की हड्डी मिला दी है। हालांकि उस दिन के बाद तेजी से हालात खराब होते चले गए। यहीं कैवलरी यानी घुड़सवार यूनिट के 3 जवानों को सजा सुनाई गई। बाकी के जवानों में आक्रोश भर गया और अंतिम फैसला ले लिया गया। मेरठ की क्रांति 10 मई 1857 को रविवार की शाम अंग्रेज अफसर चर्च जाने की तैयारी में थे। बैरक खामोश थी, वहाँ कोई हलचल नहीं थी। तभी 5 बजे प्लान के हूटर बजा दिया गया प्लान के मुताबिक, और शोर मचाते हुए सिपाही बाहर निकले। आग बुझाने नहीं बल्कि आग लगाने बंगाल आर्मी ने विद्रोह कर दिया था। यूनिट के जवान जेल की तरफ भागे और साथियों को आज़ाद कराया। अफरा तफरी मच गई, और इसी बीच कर्नल फिनिक्स मारा गया। सिपाही अब तक अंग्रेज़ अफसरों के घरों की तलाशी लेने लगे। कुछ ही घंटों में मेरठ छावनी बागियों के कब्जे में हो गई। दिल्ली पर भी बागियों का कब्जा। 11 मई को बागी सिपाही दिल्ली के कश्मीरी गेट पहुंचे। वहां ब्रिगेडियर ग्रेव्स की सेना उन्हें रोकने के लिए खड़ी थी। ब्रिगेडियर की सेना के ज़्यादातर सैनिकों ने पाला बदल लिया। बचे सैनिकों के साथ दिल्ली पर कब्जा करना और कब्जा रखना मुश्किल हो गया था। बागी दिल्ली से दाखिल हो चुके थे। बहादुर शाह जफर की सुरक्षा में तैनात कप्तान डगलस ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट साइमन फ्रेजर को मार दिया गया। गोला बारूद बचाना लेफ्टिनेंट विलेबी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना। विलेबी ने
आत्मघाती प्लान बनाते हुए आयुध खाने में छिपा दिया अपने आप को और उस बचे हुए जो गोला बारूद था उसको। जबकि बड़ी तादाद में बागी अंदर घुस गए तो उसने खुद को उड़ा लिया। 2000 सैनिक मारे गए, फिर भी अंग्रेज़ों के हाथ से दिल्ली निकल चुकी थी। बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया गया। बहादुर शाह जफर ने ऐलान किया, गाजियों की में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। गालिब की नज़र से दिल्ली की दास्तान। उस दौरान गालिब दिल्ली में ही थे। उन्होंने अपनी किताब दस्तंबू में गदर का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि 11 मई 1857 को अचानक दीवारें हिलने लगी। मेरठ के सिपाही अंग्रेज़ों के खून के प्यासे हो गए। अंग्रेज़ अफसरों को मारने से पहले पीछा नहीं छोड़ा गया। लाल किले पर बागी सिपाहियों का कब्जा था। 3 दिन तक हमें न पानी मिला न कुछ खाने को। हिम्मती बागी अपने कैदी साथियों को छुड़ा लिए। गुलामी के खिलाफ गदर। मेरठ से झांसी तक, कानपुर से कोलकाता तक गदर था। 1 लाख से ज़्यादा लोग अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़े थे। गुलामी के खिलाफ दुनिया में कभी इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े नहीं हुए, ना तो इससे पहले और ना इसके बाद में। एक साथ इतने लोग आए। दिल्ली की गदर की खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। यूपी में गदर। बुलंदशहर में क्रांति का एक प्रचारक सिपाही पकड़ा गया। 9 नवंबर पलटन के इस सिपाही को अलीगढ़ में फांसी दे दी गई। उस शहादत ने सिपाहियों में और जोश भर दिया। 20 मई 1857 को अलीगढ़ अंग्रेजों से खाली हो चुका था। खजाना और असलाह लेकर सिपाही दिल्ली की तरफ कूच कर गए। मैनपुरी, इटावा, कानपुर, हर तरफ क्रांति की लपटें उठी। बरेली में खान बहादुर खान ने क्रांति का मोर्चा संभाला। बरेली में 68 नंबर पलटन ने बगावत की और हरा झंडा फहरा दिया। अब वक्त था लोगों को जंग में शामिल करने का। खान बहादुर खान ने रुहेलखंड के लोगों का आह्वान किया। किसान, व्यापारी, कलाकार, कवि सब क्रांति में शामिल हो गए। उधर आजमगढ़ में 17 नवंबर की पलटन ने क्रांति शुरू कर दी। इमारतें, तोपें, गोला बारूद और खजाने पर उनका कब्जा हो गया। 4 जून 1857 को गदर की आग बनारस पहुंची। अंग्रेज़ अफसरों ने सिपाहियों के हथियार रखने के लिए कहा। बागी सिपाहियों ने अंग्रेज़ अफसरों पर हमला कर दिया। अंग्रेज़ों ने सिख पलटन को आगे किया। वो बागियों के साथ हो लिए, अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई नहीं लड़े। उन्हें शांतिपूर्वक वहां से जाने दिया गया। इलाहाबाद में 6 नवंबर को पलटन ने बगावत कर दी। 6 जून 1857 की रात पलटन ने बिगुल बजाया। अंग्रेज़ों को मारकर अकूत खजाना और गोला बारूद ले लिया गया अपने कब्जे में। 7 जून 1857 को इलाहाबाद कोतवाली पर हरा झंडा लहरा दिया गया। झांसी की रानी झांसी में भी किले पर आज़ादी का हरे रंग का झंडा लहरा रहा था। अंग्रेज़ों को ये कबूल नहीं था, लिहाजा किले पर कूच किया गया। 6 जनवरी 1858 को मऊ मध्य प्रदेश से अंग्रेजी सेना निकली। रायगढ़ चंदेरी जीतते हुए वो 20 मार्च 1858 को झांसी पहुंचे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ऐसे हालात के लिए पहले से तैयार थी। उन्होंने झांसी के आसपास इलाके को खाली करा लिया था। ऐसा इसलिए था कि अंग्रेज़ों को रसद ना मिले। 24 मार्च 1858 को झांसी की तोप घर गरज ने गोले बरसाए। अंग्रेजी सेना ने भी अपने तोपखाने खोल दिए। 29 मार्च को किले की दीवार को अंग्रेजी तोपों ने उड़ा दिया। रातों रात 11 मजदूरों ने उस दीवार को दोबारा खड़ा कर दिया। दोनों तरफ से तोपें गरज रही थी, लड़ाई चल रही थी। पूरे 10 दिनों तक रानी ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया। रानी के पास हिम्मत, हौसले के साथ कुर्बानी का जज्बा था। यही सबसे अजीम मिसाल बना कभी ना बुझने वाली मशाल। 4 अप्रैल को रात को पीठ पर अपने बच्चे को बांध कर कूद गई रानी। यहाँ से कालपी पहुँची, जहाँ तात्या टोपे उनका इंतज़ार कर रहे थे। कालपी से रानी ग्वालियर पहुँची और यहीं अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। कोटा की सराय इलाके में लड़ते लड़ते रानी ने शहादत दे दी। रानी की शहादत देश कभी भुला नहीं पाया। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। इनके महिला दस्ते का नाम उन्होंने दिया था झांसी की रानी रेजिमेंट। अवध की भागीदारी। अवध के सैनिकों को बेगम हजरत महल की नुमाइंदगी मिली। बेगम हजरत महल ने खान बहादुर खान की तर्ज पर काम किया। अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादरी को गद्दी पर बैठाया। इसके बाद अंग्रेजी सेना से खुद मुकाबला करने निकल पड़ी। अवध के जमींदार, किसान और सैनिक उनके साथ थे। आलमबाग की लड़ाई के दौरान हजरत महल ने खुद कमान संभाल ली। हाथी पर सवार होकर अपने सैनिकों के साथ दिन रात युद्ध करती रहती। लखनऊ में पराजय मिली, लेकिन हजरत महल रुकी नहीं। वो अवध के देहातों में चली गई, वहाँ भी क्रांति की चिंगारी सुलगाई। उनकी अगुवाई में महिलाओं को तोप और बंदूक चलाना सिखाया गया। लखनऊ की तवायफ हैदरी बाई भी क्रांतिकारियों में शामिल थी।
उनके यहाँ आने वाले अंग्रेज़ अफसरों से खबर मिलती थी, उन्हीं खबरों को वो क्रांतिकारियों तक पहुँचाती थी। बाद में वो हजरत महल के सैनिक दल में शामिल हो गई। बिहार पर अवध का असर। दानापुर छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह को नेता चुना गया। कुंवर सिंह ने आरा से आजमगढ़ तक अंग्रेजों को खूब छकाया और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। एक साल तक बाबू कुंवर सिंह अंग्रेजों को हलकान किए रहे। 23 अप्रैल 1858 का दिन जंग आज़ादी का बेहद खास दिन था। जगदीशपुर के करीब कुंवर सिंह अंग्रेजी सेना पर टूट पड़े। कंपनी की सेना का एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचा। गंगा नदी से होकर कुंवर जगदीशपुर जा रहे थे, उसी दौरान उनके बाजू में गोली लग गई। उन्होंने अपने बाजू को काटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। उन्होंने कहा कि गंगा माँ मेरी आखिरी भेंट कबूल करो। अगले ही दिन बाबू कुंवर सिंह की मौत हो गई। ज्वाला बनकर धधक रही क्रांति की ज्वाला धीमी पड़ने लगी। 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया। बहादुर शाह के बेटों के कटे हुए सिर उन्हें नज़र के तौर पर पेश किए गए। हडसन के रोज नामचे में बादशाह की प्रतिक्रिया दर्ज है। बहादुर शाह जफर ने कहा कि अल्लाह की मेहरबानी है, तैमूर के वारिस इसी तरह अपने पिता के सामने पेश होते आए हैं और क्यों फेल हो गया गदर। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार जो इतनी बड़ी ज्वाला थी जिसमें लाखों व्यापारी किसान सैनिक सब इकट्ठा हो गए थे, लेकिन वो फेल क्यों हो गया। 1857 के लिए गदर के लिए कुर्बानी का जज्बा लाखों दिलों में था। हालांकि क्रांति की कमान किसी एक के हाथ में नहीं थी। यह दरअसल सैनिकों और किसानों का विद्रोह था जिसमें कारीगर शामिल हुए, मजदूर शामिल हुए, राजा रजवाड़े भी शामिल हुए, लेकिन वो बिखरे हुए थे। इस दौरान टेलीग्राफ ने अंग्रेज़ों का काफ़ी साथ दिया। टेलीग्राफ के जरिए हर जानकारी तेज़ी से अंग्रेज़ों को मिलती थी। क्रांतिकारियों के पास सूचना भेजने के लिए हरवाहे थे, वो कितनी भी तेज़ी से करते लेकिन टेलीग्राफ के आगे फेल थे। सूचना की कम रफ्तार और बिखरे हुए आंदोलन से क्रांति बुझ गई। 18 अप्रैल 1859 तक अंग्रेज़ों ने तमाम विरोधियों को हरा दिया था और हराने के बाद इन अंग्रेज़ों ने फिर अपने हुकूमत का तौर तरीका बदला। और तौर तरीका बदलने के साथ साथ उनको ये भी पता चला कि अब इस हिंदुस्तानी लोगों को काबू में रखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का दखल ख़त्म हो गया था इस गदर के बाद। और गदर के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व ख़त्म हुआ तो जो ब्रिटिश की महारानी है उन्होंने पूरा का पूरा कामकाज और पूरा शासन अपने हाथों में ले लिया था। उसी के बाद ब्रिटिशर्स की अगर सच में कहें तो हुकूमत आई थी। और 1861 में जो कानून बनाया गया, जो आज भी हमारे देश में चल रहा है, ये इसीलिए बनाया गया था कि अब कोई ऐसा मौका ना दिया जाए हिंदुस्तान की जनता को कि वो खड़ी हो सके उस हुकूमत के खिलाफ। क्योंकि जिस तरह की स्थितियां अंग्रेज़ों ने देखी थी उसके बाद उनको लगा कि एक कड़े कानून की ज़रूरत है, और उस कानून की ज़रूरत है जिससे जनता को, जनार्दन को ज़्यादातर दबा के कुचल के रखा जाए। अभी भी अगर आप IPCC CRPC पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कई कानून तो बड़े अजीबोगरीब हैं जिनको आज का जिनके परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो वो रिलेवेंसी नहीं है, लेकिन उस समय थे। और तभी हम बार बार कहते हैं कि इसमें बदलाव की ज़रूरत है, इस कानून में बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि वो इस गदर के बाद हुए थे। और ये गदर हमें ये भी बता गई कि एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एकजुट नहीं होते हैं तो फिर बड़े से बड़े आंदोलन फेल हो जाते हैं। और इसीलिए आज इतने साल बाद भी हम जब कोई आंदोलन करते हैं, हम जब कोई परिवर्तन करते हैं, हम जब कोई बदलाव करते हैं तो हमें एकजुट होना ज़रूरी है। अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो फिर कहानी वहीं की वहीं रह जाएगी, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हो, चाहे वो किसी बेटी की अस्मत लूटने वाले घिनौनी मानसिकता के लोगों के खिलाफ जंग हो, या फिर जंग हो बेईमानों के खिलाफ जो इस देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठा होकर एक साथ चलना पड़ेगा, तभी हमें विजय मिलती है। आज बात करते हैं सत्यमेव जयते में रियल हीरो की, शिवाजी, जो बंद आंखों से अपने टारगेट को भेद देते हैं। घुड़सवारी में उन्होंने यूपी पुलिस के लिए कई पदक भी अपने नाम किए। शिवाजी लखनऊ पुलिस लाइन में हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर भी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आंखों पर पट्टी बांधकर लक्ष्य भेदने वाला ये घुड़सवार यूपी पुलिस के लिए किसी हीरो से कम नहीं। इन्होंने घुड़सवारी में महारत हासिल कर ली।
जैसे चेतक और महाराणा प्रताप का संबंध है, ठीक उसी तरह शिवाजी का घोड़ा भी इशारों पर सरपट भागता है। घुड़सवारी के लिए तो मैं तमाम किताबों में पढ़ा था, चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इस तर्ज पे काम करने के लिए मैंने सोचा कि अगर पृथ्वीराज चौहान जी के द्वारा बगैर देखे हुए लक्ष्य को भेदा जा सकता है, तो हम घोड़े पे सवार होकर के कुछ ऐसा कर सकते हैं। शिवाजी अपनी प्रतिभा की बदौलत यूपी पुलिस का नाम रोशन कर चुके हैं और तमाम पदक अपनी झोली में डाल चुके हैं। हम जहाँ पर पैग लगाते हैं, जिसे मेघ कहते हैं, उस पैग से एक निश्चित दूरी पर अपना एक निशान बनाते हैं, उस दूरी को अपने घोड़े से टाई अप करते हैं और हमें पता है कितने सेकंड में वो दूरी हमारा घोड़ा तय कर लेता है। और जैसे ही उस दूरी पर हमारा घोड़ा पहुंचता है, मैं अपने लांस को, बल्लम को ड्रिप करता हूं और मेघ पे निशाना लगाता हूं। ये शिवाजी की लगन और जुनून का नतीजा है कि शिवाजी को ये मुकाम हासिल हुआ। सत्यमेव जयते उनकी इस कामयाबी पर उन्हें सलाम करता है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। तो आपने देखा कि किस तरह से इनको घुड़सवारी का शौक है और कितना सटीक निशाना है, और सटीक निशाना जिसका भी होता है फिर वो आपको देखने में भी अच्छा लगता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी करता है। क्योंकि हम लोग हर चीज़ सटीक पसंद करते हैं, लेकिन हम अपने अंदर वो सटीकपन नहीं ला पाते हैं। तो ये कहानी ये बताने वाली है कि हमको जब सटीक चीज़ें पसंद हैं, हमें लगता है कि फिल्म का हीरो हर बार जीते, तो फिर हम भी फिल्म के हीरो की तरह बने। हम लोग ताली बजा के अपने घर चले आते हैं और उसके बाद जब घर चले आते हैं, उसके बाद हीरो की वो परेशानियाँ भूल जाते हैं, सिर्फ उसकी कपड़े पहनने की स्टाइल रह जाती है। और जब सिर्फ कपड़े पहनने की स्टाइल रह जाएगी तो बाकी तो आप भूल ही जाएंगे, उसके डायलॉग ही याद रखेंगे। तो ज़रूरत है उसके पूरे करेक्टर को अपने अंदर लाने की, जो अच्छा हीरो होता है। खैर, आज अगर बात करें गदर की, तो गदर हमें बहुत कुछ सिखा गई। गदर ने यहाँ के काव्य का स्वरूप भी बदल दिया था। गदर ने तमाम कवियों को इकट्ठा किया था, गदर ने किसानों को इकट्ठा किया था, गदर ने व्यापारियों को इकट्ठा किया था। और मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि दीवारों के नीचे आकर कुछ जमा हुए हैं जिंदानी, सीनों में तलातुम बिजली सा, आँखों में दहकती शमशीरें, उठो के वो कैदी छूट गए, दौड़ो के वो टूटी जंजीरें, उठो के वो टूटी जंजीरें। और जब जंजीरें टूटने लगती हैं तो बहुत कुछ नया होने का एक सूर्य उदय होता है, सूरज उगता दिखता है। लेकिन उस जंजीर को तोड़ने के लिए आपकी आँख से पानी नहीं, आपकी आँख से लहू टपकना चाहिए। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, गर आँखी से न टपका तो फिर लहू क्या है। जहाँ इसके लिए बहुत मेहनत और मशक्कत की ज़रूरत होती है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम मेहनत मशक्कत करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देश को हर एक हिंदुस्तानी की बहुत ज़रूरत है। और हम जब एक साथ खड़े होके बोलेंगे इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय, तो हम किसी भी सफ़र पर निकलेंगे तो उस सफ़र में हमें विजय मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप भारत समाचार के साथ। और अगर आपको अपना फीडबैक भेजना है तो नीचे लिखे एड्रेसेस पर मुझे आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। नमस्कार।